नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ज्ञान के चमत्कार मंत्र की शक्ति भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम 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 ओम। जब व्यक्ति ध्यान करता है, मंत्र जप करता है, अध्यापन करता है, व्यक्ति अपने श्वास को धीमे करता है, अपनी श्वास का उसकी गति को धीमा करता है, तो मंत्र जाप से उसको शक्तियां प्राप्त होती है। जो मंत्र जाप से उसको शक्तियां प्राप्त करती है, उसके बाद उसकी श्वास की गति धीमी हो जाती है। वह उसका शरीर कम श्वास से भी काम करता है और उसके अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी बढ़ जाती है। व्यक्ति के अंदर जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो उसके चक्रों को ऊर्जा मिलती है। चक्रों को ऊर्जा मिलने से चक्र चार्ज होते हैं। एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर, व्यक्ति के अंदर जो सूक्ष्म शरीर होता है, वह बाहर निकल के अपने शरीर को देख भी सकता है। और ध्यान की उच्चतम अवस्था के अंदर उसका सूक्ष्म शरीर कहीं भी दूसरी जगह यात्रा कर सकता है। हिमालय की पहाड़ियों में यात्रा कर सकता है, हिमालय के सिद्ध संतों से मिल सकता है, हिमालय के सिद्ध संतों से वह ज्ञान की प्राप्ति करके वापस भी आ सकता है। ये जो सूक्ष्म शरीर है, एक उच्चतम अवस्था के बाद शरीर से बाहर निकल के वह सूक्ष्म शरीर शरीर को ध्यान करते हुए देख भी सकता है। और जहां चाहे वहां विचरण कर सकता है, ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है। अब कितने साधक ऐसे हैं जो उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं या नियमित ध्यान करते हैं, नियमित मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद जो हिमालय के सिद्ध संत हैं, वह उन्हें आके मिलते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं। हिमालय के सिद्ध संत उन्हें अपने साथ और भी ऊपरी स्तर के ज्ञान के लिए ले जाते हैं। और उसके बाद उनको कुछ ऊपरी स्तर के ज्ञान देके वो वापस आ जाते हैं। जो ध्यान के अंदर जो उच्च अवस्था होती है, जिसके अंदर आप पूरी तरह से ध्यान को ग्रहण कर चुके होते हैं, आपका मन, आपकी आत्मा, आपका श्वास एक हो जाता है। आपके मन के अंदर भी एक विचार, आपकी आत्मा के अंदर भी एक विचार, आपके श्वास के अंदर भी एक विचार जब हो जाता है, तो हिमालय के सिद्ध संत उनको देखते होते हैं। हिमालय के सिद्ध संत आपकी हर दिनचर्या पे नज़र रखते हैं। हिमालय के दिग्गज दिव्य संतों को ये मालूम होता है कि आप क्या कर रहे हैं, और जब उन्हें लगता है कि ये साधक अब बुलाने योग्य है, तो उसे बुलाया जाता है। हिमालय के अंदर जो कुछ सिद्ध संत हैं, हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, कुछ सिद्ध संत हैं जो हिमालय की सिद्ध भूमि में, सिद्धाश्रम में, ज्ञानगंज में निवास करते हैं, और जो भी साधक उस सिद्धाश्रम में, ज्ञानगंज में या हिमालय के सिद्ध स्थान में आने योग्य होता है, उसको ध्यान की उच्च अवस्था में आके ज्ञान देते हैं और उन्हें लेकर भी जाते हैं, और हिमालय के दूसरे सिद्ध संतों से भी उसकी मुलाकात होती है। जो भी साधक का मन, श्वास, उसकी आत्मा, उसका शरीर एक हो जाता है, उसके मन के अंदर, उसके श्वास के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर, उसकी चेतनता के अंदर एक ही विचार रह जाता है,
और वे व्यक्ति ध्यान की उच्च अवस्था में होता है। तो उस साधक को हिमालय के सिद्ध संत दर्शन देते हैं। हिमालय के सिद्ध संत उसके आजू बाजू उपस्थित होके उसको देखते हैं, और जब जरूरत होता है तब उसकी मदद भी करते हैं। और जब उनको उचित लगता है तब उस साधक को हिमालय के सिद्ध संतों से मिलने का मौका भी मिलता है, और उन्हें हिमालय में भी ले जाया जाता है, और वहाँ पे और भी ज्ञान की प्राप्ति कर कर वह वापस आते हैं। हिमालय की सिद्धाश्रम या सिद्ध संतों का स्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना उनकी इच्छा के नहीं जा सकता है, बिना उसकी इच्छा के कोई वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। जब कोई उचित गुरु का सानिध्य होता है या गुरु के गुरु का सानिध्य होता है या कोई साधक उच्च अवस्था में होता है और उसका तन, उसका शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा और उसकी मन की के अंदर इतनी एकाग्रता होती है कि सिद्धाश्रम या हिमालय के सिद्ध संत उसको दर्शन दे सके, तो वह उसको आके दर्शन देते हैं और उसको आगे का मार्ग बताते हैं। कितने ही साधक ऐसे हैं जो पूर्व जन्म में भी संत ही थे और इस जन्म में वह पूर्व जन्म के किए हुए तप जो अधूरे रह गए थे उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। कितने ही साधक हैं जिनके पूर्वज कुछ अच्छे संत रहे हैं और उन्हीं के परिरूप में उन्होंने फिर से जन्म लिया और वह अपनी अधूरी साधना को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जो भी साधक ये जन्म में साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तंत्र साधना करते हैं या कुंडलिनी शक्ति जागरण की दिशा में प्रयास करते हैं, तो वह साधना के अंदर जो अधूरी साधना है उसको पूरा करने के लिए सिद्ध संत भी उसकी मदद करते हैं। और सिद्ध संत ये बताते हैं कि अच्छे साधक बहुत कठिनाई और परिश्रम से, कठिनता आने के बावजूद भी वह अपने लक्ष्य में लगे रहते हैं। कोई भी साधक है उसको परेशानी आती है, उसको तकलीफ आती है, लेकिन जो साधक ध्यान में और साधना में उनका मन एकाग्र होता है और जो साधक नियमित मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको एक समय के बाद आगे का मार्ग मिल जाता है। साधना कोई व्यक्ति नियमित करें और कोई व्यक्ति साधना बीच में बंद करके फिर बाद में करें, इसमें बहुत फर्क होता है। नियमित साधना करने से उसका फल उसको मिल जाता है, नियमित ध्यान करने से उसको फल उसका मिल जाता है, नियमित किसी एक चीज के ऊपर अभ्यास करने से उसको सफलता मिल जाती है। मन साफ होना चाहिए, व्यक्ति का उस लक्ष्य के प्रति पूरा रुझान होना चाहिए, उसको यह होना चाहिए कि वह जो ध्यान साधना कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है। कोई साधक ऐसे होते हैं जो भौतिक चीज़ों की उपलब्धि के लिए साधना करते हैं,
उन्हें भौतिक चीजें ही चाहिए होती हैं, भौतिक इच्छाएं उनकी पूरी हो जाती है, फिर वो साधना बंद कर देते हैं। कितने ही साधक हैं, उन्हें कोई और चीज की आवश्यकता होती है, उस चीज के पूर्ति के बाद वो साधना बंद कर देते हैं, ध्यान बंद कर देते हैं, मंत्र जाप बंद कर देते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं जिनके मन में कोई इच्छा ही नहीं होती है, वह साधना करते हैं ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति के लिए। तो उनकी जो साधना होती है वह चलती रहती है, और वह मंत्र जाप या ध्यान जो करते हैं उनको अलग तरह की सिद्धि या ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति होती है। साधक जो ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, उसको सिद्धाश्रम के सिद्ध संत देखते रहते हैं। पूरी दुनिया में जो भी साधना कर रहा है, पूरी दुनिया में जो भी साधना कर रहा है, जो भी साधक मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसकी सब साधकों की साधना को दिव्य संत देखते रहते हैं। आप क्या कर रहे हो, आपने कितना मंत्र जाप किया, कितने टाइम से आप साधना कर रहे हो, 10 साल से, 15 साल से, वो संत आपको देखते रहते हैं। जब उन्हें लगता है कि आपको आगे का मार्ग बताना है, तो किसी गुरु के द्वारा या किसी संत के द्वारा या किसी स्वप्न के द्वारा या ध्यान की उच्च अवस्था में वह आपको आगे का मार्ग बताते हैं। कोई भी साधक ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, तो उसको सिद्ध संत देखते ही होते हैं। बचपन से अगर आप साधना करें तो बचपन से आपकी पूरी दिनचर्या पे सिद्ध संत नजर रखते हैं। बहुत हजारों लोगों में कोई लोग ऐसे होते हैं जो इस दिशा में अपना लक्ष्य को पूरा करते हैं, हजारों लोगों में कोई एक लोग होते हैं इस दिशा को पा लेते हैं। व्यक्ति ध्यान की अवस्था में और साधना की अवस्था में जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसको आगे का मार्ग मिलता जाता है। जैसे आप ये बात को समझिए कि अगर आप कोई आम का फल है उसे देखते हैं और आप उसे खाने का विचार मन में लाते हैं, तो आप कोई पेड़ पे चढ़ के या कोई पत्थर से आम को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो जब तक आम आपको नहीं मिल जाता है, आप उस आम को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। उसी तरह से जब आपके मन में उस ईश्वरीय शक्ति को पाने का, जानने का विचार आ जाता है, तो उस दिशा में जब आप बचपन से आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो अगर आप नियमित तौर से उसको पाने का अभ्यास करते हैं, तो सिद्ध संत आप पे नज़र रखते हैं, सिद्ध संत कोशिश करते हैं कि आपको आगे का मार्ग मिले। और जो आपके अंदर बैठा ईश्वर है, परमात्मा है, वह आपको पूरी तरह से आपको सहयोग करते हैं कि जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे। और आपको स्वतः ही आगे का रास्ता मिलने लग जाता है, किसी गुरु के द्वारा, किसी स्वप्न के द्वारा, किसी चमत्कार के द्वारा। जीवन में दुख आना वो सामान्य बात है, दुख सबको आता है, लेकिन दुख आने के बावजूद भी आप अगर उस ध्यान को, मंत्र जाप को या उस दिशा में आप जो कोशिश कर रहे हैं उसको आप नहीं रोकते और आप चलते रहते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। साधक जो भी करता है उसका अनुभव, उसका खुद का अनुभव होता है, उसको मालूम होता है कि उसको क्या क्या अनुभव हो रहा है, उसका मन एकाग्र है, और अगर उसके अंदर परमात्मा के प्रति वह प्रेम और एकाग्रता है, तो उसे सिद्ध संत आगे का मार्ग बता देते हैं। और आपको जो भी जिंदगी में दिशा में आगे बढ़ना होता है, उसका मार्ग वो सिद्ध संत आपको वहां तक पहुंचा देते हैं।
ओम ओम ओम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।